ವಂದೇ ಅಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಶ್ವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರ ಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದೋ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾನ್ ನಗತಿಃ ಕುತೋಪಿ ಧ್ಯಾಯಂ ಸ್ತುವಂಸ್ತಸ್ಯ ಯಶಸ್ತ್ರಿ ಸಂಧ್ಯಂ ವಂದೇ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ನಮೋ ಮಹಾವದಾನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರ್ದ್ವಿಷೇ ನಮಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನ ಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತು ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ಶ್ರೀರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ತ್ವಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ಜಯ ರೂಪ ಸನಾತನ ಭಟ್ಟ ರಘುನಾಥ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ದಾಸ ರಘುನಾಥ ಏ ಛೇ ಗುಸಾಯಿರ್ ಕೋರಿ ಚರಣ ಬಂದನ್ ಜಹಾಂ ಹೋಯಿತೆ ವಿಘ್ನ ನಾಶ ಅಭೀಷ್ಟ ಪೂರಣ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ವೃಂದಾವನಂ ಸಖಿಭುವೋ ವಿತುನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಂ ಯದ ದೇವಕೀಸುತ ಪದಾಂಬುಜಲಬ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋವಿಂದ ವೇಣುಮನು ಮತ್ತ ಮಯೂರ ನೃತ್ಯಂ ಪ್ರಕ್ಷಾದ್ರಿ ಸಾನ್ವ ಪರತಾನ್ಯ ಸಮಸ್ತ ಸತ್ವಂ ಹೇ ಸಖಿ ಯೇ ವೃಂದಾವನ್ वैकुंठ आदि धामों की अपेक्षा कहीं अधिक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। कारण वृंदावन भूमि हर समय श्री कृष्ण के पाद पद्म चिन्हों की शोभा से युक्त रहती है। फिर यहाँ मत्त मयूरों का नृत्य देखकर अन्यान्य समस्त प्राणी आनंद जड़ अवस्था में पर्वत शिखर पर अवस्थान करते हैं। तो आप
सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम में वेणु गीत, जो कि पूर्व राग की स्थिति में गाया गया है गोपियों के द्वारा, जो कि भगवान कृष्ण के आह्लादनी शक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण का अपना ही अंश है, लेकिन रस वैचित्र्य के लिए परकिया भाव को स्वीकार करते हुए श्याम सुंदर अपनी ही शक्तियों के साथ सुंदर लीला का आस्वादन कर रहे हैं और करा रहे हैं। आपको बताया कि गोपियाँ अपने मन की बात कहने के लिए एकत्र हुईं, और मन है भरा हुआ कृष्ण प्रेम से। कृष्ण प्रेम जो कि जीव मात्र के लिए साध्य है, मंजिल है। कृष्ण प्रेम जो कि महाप्रभु कहते हैं हमारा प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम। तो ये कृष्ण प्रेम जो हमारा प्रयोजन है, उस कृष्ण प्रेम से इतनी ज़्यादा आप्लावित हैं समस्त गोपियाँ, क्योंकि परकिया रस के कारण ये गोपियाँ महाभाव से युक्त हैं, महाभाव से युक्त हैं। महाभाव मतलब, आपको पिछली दफ़ा भी बताया, मान लीजिए एक दिया, उसके अंदर एक बाती जल रही है, एक बाती, और अगर उसके चारों तरफ ढेर सारी बातियाँ घी लगाई हुई रख दी जाए, तो अचानक वो दिया समस्त बातियों को जलाने लगेगा और धूं धूं करके लपट उठने लगेगी। या मान लीजिए कहीं पर अग्नि जल रही है और उसके चारों तरफ लकड़ी का बाड़ है, अचानक अग्नि इतनी बढ़ जाए कि वो बाड़ को भी जला दे, तो प्रेम इस हद तक बढ़ जाए कि समस्त बाधाओं के बावजूद, दुर्लभता के बावजूद, भय के बावजूद, जो प्रेम है वो किसी का ना माने और प्रेम अपने अभीष्ट को प्राप्त कर ले, अनुराग अपने अभीष्ट को प्राप्त कर ले। अनुराग की समसंवेद्य दशा है महाभाव। अनुराग जहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है, जहाँ मात्र प्रेम रह जाता है, जहाँ कृष्ण भी नहीं रहते, राधा रानी भी नहीं रहती, गोपियाँ भी नहीं रहती, कृष्ण प्रेम ही रह जाता है। प्रेम ने प्रेम को प्रेम किया, यहाँ कृष्ण भी और राधा रानी भी, सबकी पहचान खत्म, प्रेम ही रह जाता है। प्रेम ही गुरु और बाकी सब शिष्य, वो है महाभाव। तो ये महाभाव जो है, ये सिर्फ और सिर्फ परकिया रस में होता है, अन्य किसी रस में महाभाव नहीं होता। क्योंकि महाभाव के लिए सबसे बड़ी शर्त है दुर्लभता। प्रिया जी को देखने तक के लिए तरसना, श्याम सुंदर को देखने तक के लिए तरसता, कभू मिले कभू ना मिले देवीर घटन, महाप्रभु कह रहे हैं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे देव के ऊपर है, जबकि कृष्ण भगवान है। लेकिन इस विचित्र रस का आस्वादन करने के लिए वो अपनी सर्वज्ञता शक्ति को दूर रख देते हैं, संवित शक्ति को दूर रख देते हैं। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है। तो ये जो रस है, इसमें पहला दुर्लभता और दूसरा भय। भय, महाभाव तभी उत्थित होगा जब भय होगा कि कहीं कोई कृष्ण से मिलते हुए जाते हुए देख ना ले, कृष्ण मिलन में सैकड़ों बाधाएं हो, भय हो, तब ये महाभाव उत्थित होगा। बाधाओं के बाद ही प्रेम और विकसित होता है। तो इस अपूर्व प्रेम की रीति का विचित्र आस्वादन कर रहे हैं श्री हरि, श्री श्याम सुंदर अपनी ही नित्य कांताओं के साथ, लेकिन उनका ये तत्व वो भी नहीं जानते, योगमाया दासी जहाँ योगमाया की कृपा से, और ये समस्त कांताएं भी नहीं जानती। तो ये सारी की सारी गोपियाँ मिल करके श्याम सुंदर का गुणगान कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं कि कोई जैसे मेरे हृदय की बात समझ ना पाए। लेकिन प्रेम इस हद तक भरा हुआ है उनके हृदय में कि प्रेम वाष्पित हो जाता है, ऊपर आ जाता है, प्रेम छलकने लगता है, कभी आँखों से कभी जुबान से प्रेम छलकने लगता है, हृदय में
संभाले प्रेम संभलता नहीं है, ऐसा ये महाभाव, उत्कट महाभाव कि जहाँ गोपियाँ जड़ वस्तुओं से भी अपने आप को हीन समझती हैं, जो कि समस्त देवियों की देवी हैं श्री राधा रानी, वो जड़ वस्तु से भी खुद को हीन समझती हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु बोले, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सही सुनना, अमानिना मान देने कीर्तनिया सदा हरि। जो खुद को तृण से भी नीचा समझ लेगा और तरु से भी ज़्यादा सहनशील हो जाएगा, कैसी भी स्थिति है, कैसी भी परिस्थिति है, कभी भी भगवान से दूर नहीं होना, वही एकमात्र हमारा अभीष्ट, उनके अलावा कोई नहीं, क्योंकि यही सत्य भी है, चाहे हम स्वीकार करें चाहे ना करें ये हमारे ऊपर है, लेकिन सत्य अकाट्य यही है। तो तृणादपि सुनिचेन, तृण से भी खुद को अधम समझना, और तरुरिव सही सुनना, और तरु से भी ज़्यादा सही सुनना, और अमानिना मान देन, खुद का मान नहीं और दूसरों को मान देना, खुद की मान की अपेक्षा नहीं करना। तीन गुण जिसके अंदर आ गए, कीर्तनिया सदा हरि, वही हरि कीर्तन कर सकता है, श्री नाम बस उसी की जुबान पर नाच सकते हैं, श्री नाम की महिमा वही समझ सकता है, श्री नाम की मधुरिमा बस उसे ही पता लग सकती है। तो यहाँ जो गोपियाँ हैं उनके अंदर ये समस्त गुण हैं, हाँ? अपने आप को तृण से भी नीचा समझती हैं, हर जड़ वस्तु जिसका जरा सा भी संबंध भगवान श्री कृष्ण से है बस उसको देखते सोचती हैं कि ये कितने भाग्यशाली, अगर हम ये होते तो कितना अच्छा होता, हम मेघ होते, हम नदियाँ होती, हम गोप हो जाते, हम बंसी हो जाते तो कितना अच्छा होता। तो उनकी अपनी गरिमा इतनी उच्च कि लक्ष्मी जी जैसे, अरुणदिति जैसे, सती शिरोमणि उनके गुण गाती हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हैं, श्रुतियाँ भगवान की तपस्या करती हैं, और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कहती हैं जैसे गोपियों पर कृपा की आपने, जैसे गोपियों ने आपका संग किया प्रभु, हम भी किसी समय आपका वैसा ही पर किया भाव में मधुर रस का आस्वादन कर पाएं आपके संग, पर किया भाव। स्वीय तत्व जो आपको बताया, तत्व क्या है, एक ही तत्व, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, जैसे कि मूंगफली के अंदर दो मूंगफली के दाने एक ही चीज के अंदर, दूध और उसकी सफेदी एक ही तत्व, लेकिन आनंद की बात है दुई देह धरी, अनन्य विल से रस आस्वादन करें, दो देह का धारण क्यों करना, रस का आस्वादन करना, और उसमें भी परकीय भाव, यानी तुम मेरी हो मगर मेरी नहीं हो, भाव को ओढ़ा मात्र है। और हमने आपको बताया इस जगत में हर कोई परकीय है लेकिन स्वकीय को ओढ़ा मात्र है, हम शादीशुदा हैं परंतु कभी भी एक नहीं थे अलग, वो उस खानदान से आई, ये इस खानदान से आई, अभी शादी हुई फिर बाद में शादी नहीं भी रही, तो यहाँ स्वकीय को ओढ़ा है परकीय, वहाँ स्वकीय है परकीय को ओढ़ा है, मात्र भाव का एक अनुकरण। तो बहुत सुंदर, अब अगर श्याम सुंदर इस परकीय रस को ना ओढ़ते, थोड़ी कल्पना ही हो जाती तो क्या समस्या था, है ना, जैसे कि विदेशों में होता है कि स्त्री पुरुष कहते हैं कि चलो हम पति पत्नी हैं पर हम ऐसा एक्ट करेंगे कि हम आज ही मिले हैं, लेकिन क्या वहाँ दुर्लभता है, नहीं, वहाँ एक्टिंग है, दुर्लभता नहीं है, भय नहीं है कि अगर पकड़े भी गए तो शादी का लाइसेंस दिखा देंगे, ये हम लाइसेंस, हम मैरिज मैरिड है, दुर्लभता नहीं है, भय नहीं है, बाधाएं नहीं है, क्योंकि सारी वस्तुएं नहीं है इसलिए प्रेम का उच्छ्वास भी नहीं है। तो प्रेम माने, प्रेम माने जो किसी भी बाधाओं से ना टूटे, किसी भी विपदाओं से ना टूटे, उसे कहते हैं प्रेम। तो श्री राधा श्याम सुंदर और समस्त गोपियाँ जो है यथार्थ में परकीय रस का आस्वादन कर रही हैं, और जब उनका ब्याह हुआ, ये आपको कई बार बताया फिर बताते हैं, गोपियों का जब ब्याह हुआ तो छाया गोपियों का ब्याह हुआ, और किन से हुआ, जिस समय श्याम सुंदर समस्त गोपों का रूप रख करके, गईयों का रूप रख के, गौवत्स का रूप रखे हुए थे, खासतौर से गौवत्स और गोपों का रूप रखे हुए थे ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, उसी समय योग माया
जी ने समस्त गोपों और गोपियों को प्रेरित किया कि अब इन गोपियों का ब्याह करा दो। तो ब्याह तो हुआ तो वस्तुतः श्री कृष्ण के साथ ही, लेकिन गोप रूप में वहाँ श्री कृष्ण को भी नहीं पता कि मैं कृष्ण हूँ, और गोपियों को भी नहीं पता कि हमारी कोई छाया गोपियाँ भी हैं घर में, है ना। बहुत सारे इसके प्रमाण हैं श्रीमद् भागवतम में। तो ये सब लीला रसती हैं योग माया दासी, जहाँ रसेर उल्लास के लिए, रस के उल्लास के लिए, और उस रस का आस्वादन कर रही हैं इस समय गोपियाँ, जब वो श्याम सुंदर जो कि उनके अपने हैं, जिन पर उनका अधिकार है, जिनके प्रेम के लिए ही वो जीती हैं, ऐसे श्याम सुंदर अभी दुर्लभ हैं उनके लिए इस रस के कारण, परकिया भाव के कारण, क्योंकि मैं कुलवधु हूँ, श्याम सुंदर को कैसे देख लूँ। किंतु शक्ति की तरफ शक्तिमान हमेशा ही आकृष्ट होते हैं, ये एक नियम है, इस नियम को कोई काट नहीं सकता। तो इसलिए अब सखियाँ कह रही हैं, जहाँ उन्होंने पिछली दफ़ा कहा कि इस बंसी ने कौन सा तपस्या की कि श्री कृष्ण के अधरों में हमेशा सजी रहती हैं, और श्री कृष्ण का निबिड़ करमर्दन कर के द्वारा मर्दित होती है, श्री कृष्ण अपने कोमल कोमल हाथों के द्वारा इस बंसी की मालिश करते रहते हैं, ये अधरामृत का पान करती है और उनके अधर को पांडु रंग का कर देती है, यानी पीले रंग का कर देती है, सारा अधरामृत पान कर जाती है, और वो अधरामृत गोपियों का भोग्य अधरामृत था, गोपियों का भोग्य अधरामृत था, क्योंकि कृष्ण गोप हैं, एक दिन गोपियों के साथ ही उनको ब्याह करना पड़ता। लेकिन ये शठ जो बंसी है, इसने हमारे चीज़ पर डाका डाला। तो ऐसे भाव हैं गोपियों के, और ऐसे भाव किसी के नहीं हो सकते, ये गोपियों का प्रेम ही ऐसा भाव उनके अंदर बार बार पैदा करता है। तो बहुत सुंदर, तो कह रही हैं कि ये जो वृंदावन है, पिछली बार तो बंसी के बारे में बात हुई सारा समय, ये जो वृंदावन है ये वैकुंठ आदि धामों की अपेक्षा कहीं अधिक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। वैकुंठ धामों की अपेक्षा, यानी जो वैकुंठ धाम है वहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इसीलिए लोग भजन करते हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं, नारायण जी का भजन करते हैं, भजवन नारायण नारायण करते हैं, ताकि वैकुंठ प्राप्त हो जाए, जहाँ कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ लक्ष्मी नारायण है उनका धाम। और इस धाम तक पहुँचने के लिए कई प्रकार के उपाय हैं, भजन सबसे मुख्य है, और उसके अंदर भी क्या मुक्ति मिलेगी, साष्टी मुक्ति मिलेगी, यानी भगवान जैसा ऐश्वर्य, सारूप्य मुक्ति मिलती है तो वहाँ जाते हैं, यानी चार हाथ जैसे श्री नारायण के हैं वैसे एक भक्त के भी हो जाते हैं, जो नारायण भक्त है जब वहाँ जाते हैं, सारूप्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, और सामीप्य मुक्ति, भगवान की सेवा मिल जाती है वहाँ पर जाकर के, है ना। अगर प्रेम हो गया, भगवान का पार्षद बनना चाहते हैं, तो वहाँ सेवा भी मिल जाती है, सामीप्य मुक्ति भी है। तो इस तरह से समस्त मुक्तियाँ जो हैं वो वहाँ तक ले जाती हैं। लेकिन श्री वृंदावन धाम वैकुंठ धाम की अपेक्षा अत्यधिक पूजनीय है, क्योंकि वैकुंठ धाम की अधीश्वरी कौन है, श्री लक्ष्मी देवी। लेकिन वो श्री लक्ष्मी देवी जो कि वैकुंठ धाम की अधीश्वरी हैं, मालकिन हैं, वो भी वृंदावन के आकर्षण से बच के नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ श्याम सुंदर जो कि ईश्वर परमा कृष्णा हैं, जो कि साक्षात ईश्वर हैं, जिनसे नारायण हैं, जिनकी वजह से कृष्ण नहीं हैं, नारायण भगवान कृष्ण की वजह से हैं, है ना। तीन पुरुष अवतार ये भगवान से होते हैं, भगवान ब्रजेंद्र नंदन से होते हैं, ब्रजेंद्र नंदन की वजह से होते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण हैं साक्षात भगवान हैं, और मज़े की बात ये कि वैकुंठ में जो श्री नारायण का स्वरूप नहीं है, वो स्वरूप देखती हैं श्री श्याम सुंदर में, सुंदर प्यारा श्यामल स्वरूप, गोप वेश नटवर स्वरूप, मुरली और कहीं नहीं बजती किसी धाम में, वैकुंठ में भगवान मुरली बजा के नाचते नहीं हैं कि चलो यहाँ हम लक्ष्मी जी के साथ
जो है रास करें, संभव नहीं है ये, क्योंकि रास की अधीश्वरी सिर्फ प्रिया जी हैं, राधा रानी हैं, मूल दंड स्थानिया। तो मुरली मात्र श्री वृंदावन धाम में बसती है और मुरली का आकर्षण इतना कि वो समस्त ब्रह्मांड को भेद करके वैकुंठ लोक जाती है और वहाँ जितनी देवियाँ हैं और जो लक्ष्मी जी हैं उन तक का हृदय खींच लेती है, वो तक जो है श्याम सुंदर का संग प्राप्त करने के लिए नारायण के चरणों को छोड़ करके आ जाती हैं। हालांकि नारायण और श्याम सुंदर एक ही तत्व हैं, ये कभी मत भूलिएगा, ये सिर्फ लीला है। लीला में दिखा रहे हैं कि श्याम सुंदर का गोप वेश, नटवर वेश कितना सुंदर है ना। तो वैकुंठ में जितने भी भगवत पार्षद हों या भगवान हैं, वहाँ है ऐश्वर्य की दुनिया। ऐश्वर्य प्रधान जगत है वैकुंठ। भगवान का ऐश्वर्य दिखता है, भगवान सृष्टा हैं, सृष्टिकर्ता हैं, भगवान संहारक हैं, भगवान जो है श्री युक्त हैं, लक्ष्मी से युक्त हैं, हाँ भगवान जो है असीम बल के मालिक हैं। तो सब जगह ऐश्वर्य और ऐश्वर्य ही फैला हुआ है, ऐश्वर्य का धाम है। सुंदर सुंदर जो है स्तुतियों से, श्लोकों से, उत्तम श्लोक यानी भगवान की, नारायण की अर्चना होती है, सेवा होती है। तो वहाँ माधुर्य जो है वो ऐश्वर्य के नीचे ढका है और माधुर्य जो है मगर ढका हुआ है। लक्ष्मी और नारायण जी का जो संसर्ग है वो ऐश्वर्य के भीतर इस हद तक ढका हुआ है कि उस ओर नज़र नहीं जाती। और श्री लक्ष्मी जी भी हमेशा दास्य भाव में अपने प्रियतम का चरण चापती रहती हैं। लेकिन यहाँ वृंदावन धाम माधुर्य धाम है। ये वृंदावन धाम जहाँ ब्रजवासी कृष्ण को मोर सखा कहते हैं, मोर पुत्र कहते हैं, मोर पति भी कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं तुम ही हमारे प्राणपति हो मेरे, जहाँ मदीयता का भाव है, मेरेपन का भाव है, जहाँ बीच में ऐश्वर्य अगर आ भी गया, और आनंद की बात यह है कि ऐश्वर्यों की भरमार सिर्फ वृंदावन में है, इतना वैकुंठ में भी नहीं, पर ऐश्वर्य भगवान के पीछे रहता है, आगे आने की हिम्मत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता आगे आने की। श्याम सुंदर जब अग्नि का पान करते हैं तो सब आंखें बंद कर लेते हैं, अग्नि का पान भी हो गया और उसके बाद भी कोई भगवत बुद्धि नहीं आई सखाओं में कि तुम भगवान हो। गिरिराज जी को उठा भी लिया, उसके बावजूद कोई भगवत बुद्धि नहीं आई कि तुम भगवान हो। क्या बुद्धि आई? ये तो मेरा लाला है और 6-7 दिन से खड़ा है और ये थक गया है, इसको दूध पान कराना है। तुम सारे लोग इतने सारे यहाँ बैठे हुए हो, तुम डंडा लगा करके ये पर्वत उठा लो, कुछ करो, इसको थोड़ा सा ब्रेक दो, है ना, थोड़ा इनको ये मौका मिले कि ये बैठ करके यहाँ पर सुस्ताएं, थोड़ा विश्राम करें। ज़रा भी भगवत बुद्धि नहीं आती, ज़री भी भगवत बुद्धि नहीं आती। और वहाँ पर वैकुंठ में ज़रा भी किसी अन्य संबंध की बुद्धि नहीं आती, बस तुम भगवान, तुम स्वामी, हम दासा। सखा का संबंध वहाँ नहीं है, वहाँ चलेगा नहीं, अगर है तो वहाँ भी ऐश्वर्य इतना है जैसे द्वारिका में श्री कृष्ण के साथ उद्धव जी का संबंध, इतना ऐश्वर्य है बीच में कि उद्धव जी हमेशा स्तुति करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ तो सारे बालक कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं कि तुम्हें डेन देनी पड़ेगी, अब तुम हार गए, हम ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, सारे देवी देवता आकर के भगवान कृष्ण की, जब वो गैया चरा के लौटते हैं तो उनकी परिक्रमा करते हैं और सारे ये लोग देख रहे होते हैं सखा, और कहते हैं हाँ हमने सुना है ना गर्ग मुनि से कि कृष्ण में नारायण के गुण हैं, तो नारायण का जो गुण है उसकी वजह से सारे देवी देवता आते होंगे, क्योंकि इनके पिताजी ने बहुत नारायण पूजा की है तो गुण भी आ गए, तो इसीलिए आते हैं। और जब वो खूब स्तुति करके चले जाते हैं तो सारे सखा चिढ़ाते हैं कि देखो वो तो ऐसे बोल रहा, हे नाथ तुम तो नाथ हो, चिढ़ा रहे होते हैं श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण हंस रहे होते हैं, वही ठीक, उन्हें वही प्यारा लगता है। ऐश्वर्य ज्ञान विहीन बुद्धि, भगवान कहते हैं कि ब्रज भक्ति
जो है यानी जो ब्रज जन का भाव है उसी के मैं वश में रहता हूँ, और कोई चीज़ मुझे वश में नहीं कर सकती। इसीलिए यशोदा जी उनको बांध सकें और कोई उन्हें बांध नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाव है कि तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन देवकी जी के सामने जब वो जाते हैं और कहते हैं मैया मुझे माफ़ कर देना, इतने दिनों से मैं जो है आपसे दूर रहा, आपने कितना कष्ट सहा, हे माँ हे पिता मुझे माफ़ कर देना, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तो क्या कहते हैं देवकी और वसुदेव जी? कहते हैं ना 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 ना, ऐसा मत बोलिए, आप ईश्वर हैं, ऐसा कह के आप हमें नरक में मत धकेलिए, आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? भगवान कहते हैं यहाँ पर तो वात्सल्य भाव चलेगा नहीं, मुझे वात्सल्य भाव मिलेगा नहीं, इनकी बुद्धि हरनी पड़ेगी, ये तो ऐश्वर्य से भरे हुए हैं, ये तो मुझे भगवान समझ रहे हैं, ये मुझे माँ बाप की तरह प्यार करेंगे नहीं। तो यशोदा मैया का डांटना डपटना याद आता है, देवकी जी के संग जो है बस अब रहना है, मगर वो यशोदा मैया का वात्सल्य भाव प्रमुख रहता है कि वो कहाँ है, वो याद करते रह जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वैकुंठ से भी ज़्यादा श्री वृंदावन धाम का महत्व है। हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद और भी बड़ी बात कहते हैं श्री वृंदावन धाम के बारे में। क्या कहते हैं देखिए, श्री वृंदावन महिमामृतम में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, एतत् कुत्सित मस्थि मांस रचित विणमूत्र पुयादि भी पूर्ण दृष्ट निनष्ट मिंद्रिय गणा मर्देन नित्यार्धि तुम आदि व्याधि शताभिभूत मनीषम कामादि दहाकुलम देहम तिष्ठतु जातु व हरि रसे त्वानंद वृंदावने। कहते हैं ये शरीर यानी हमारा शरीर, मेरा शरीर खास तौर से, आप लोगों का नहीं भी होगा, ये शरीर घृणित अस्थि मांस से रचा हुआ है, विष्ठा मूत्र और पीप से भरा हुआ है, और एक दिन इसका भी अवश्य नाश होगा, ये भी समझ आ रहा है ना? अस्थि मांस मेरे शरीर में भरा हुआ है, रक्त पीप ये सब भरा है, पेशाब मूत्र सब भरा पड़ा है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जिंदा रहेंगे, कई साल अभी जिंदगी है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं एक दिन ये नाश होगा, ये तो पता ही है। अगर कोई आदमी ये मान भी ले कि उसको अभी 100 साल और जीना है, अभी नहीं मरना, तो भी 100 साल के बाद तो मरना है। कोई ये कहे कि जाओ 100 साल जियो, दीर्घायु भव, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कह सकता कि तुम मरो मत, क्योंकि 100 साल बाद वो आदमी देखेगा उसको तो खुद ही बोलेगा तुम जल्दी मर जाओ, हैं? तब मरने की दुआएं मांगेंगे हर माला पे, क्यों? क्योंकि आपका कष्ट हमसे झेला नहीं जा रहा, ये प्राण कब निकलेंगे, खोखला शरीर हो गया है, ये अंग गलित हो गए, दांत टूट गए, आंतें काम नहीं करती, ऐसे शरीर को रखने का क्या फ़ायदा? तो कहने का मतलब कह रहे हैं कि देखो किस शरीर के प्रेम में हम लगे पड़े हैं, ये अस्थि मांस मज्जा मल मूत्र पीप इन घृणित चीज़ों से बना है। अगर किसी के सामने मूत्र की कटोरी भर के रख दें, कटोरा भर के रख दें, तो क्या कहेगा? वो कहेगा ची ची ची, लेकिन हम सब के अंदर ये भरा हुआ है, कहिए ये सब क्या ले आए, लेकिन हम हमारे अंदर है ये, हड्डी ला करके रख दें कुछ, ये हड्डियाँ ये लो मांस ये सब सब, कहेंगे ये क्या ले आए, कह रही तुम इसी से तो बने हुए, तुम्हारे अंदर यही सब है, कहे ची 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 ये क्या ले आए, घृणित घृणित, मगर यही घृणित के ऊपर थोड़ा चमड़ा लगा दो, उस पर सेंट छिड़क दो, तो तुम उसके पीछे पीछे भागने लगते हो, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, है कि नहीं? ये बात सच है कि नहीं बताओ? ये घृणित के ऊपर ये सब लगा दो, एक मनुष्य का आकार दे दो और अपना वो हिप हॉप करके वो भागने लगते हैं उसके पीछे पीछे, है अंदर वही सब जो हमारे अंदर है और किसी के अंदर भी है। तो बोल रहे हैं इसका भी मगर नाश होगा, ये मिला है गंदी चीज़ मिली है एक पर्पज़ के लिए कि इसी में भजन हो सकता है, आत्मा अणु अंश है भगवान का, है ना, ममे वांशो जीवलोके, तो अंश है अणु अंश है, आत्मा को हमेशा एक शरीर की आवश्यकता रहती है। अब ये हमारे ऊपर है कि वो शरीर हम जड़ शरीर चुने
यही अस्थि मांस मज्जा वाला, और वो चुनते रहे हैं, हमेशा चुनते आ रहे हैं पिछले अनेकानेक युगों से वासनाओं के कारण। जैसी हमारी वासना वैसा शरीर मिलता है हमें, 84 लाख योनियों में से जैसी वासना होगी वैसा शरीर प्राप्त होता रहेगा। ये सिंपल सा नियम है, भगवान ने ये कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। सारा उसी भाव का शरीर मिलता है जिस भाव में शरीर जाता है। तो हमने तो कभी भगवान वाला भाव अपने अंदर डाला ही नहीं, अर्जित किया नहीं, हमारे अंदर तो भाव रहा मेरा तेरा, ये मम्मी पापा, बेटा बेटी, सास बहू, ननद, ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वही शरीर फिर से एक बार फिर से इसी कचड़े में आके गिरते हैं, यही अस्थि मांस मज्जा वाले शरीर में। भगवान कृपा करके अगर मनुष्य योनि दे देते हैं तो सोचते हैं कि चलो भजन कर लेगा, कुछ थप्पड़ खाएगा, भजन करेगा, लेकिन हम नहीं मानते, फिर से भोग, वही सुख ढूंढते हैं जिस सुख से अकता गए थे और मर गए थे। तो क्या बोल रहे हैं कि शिल प्रबोधनंद सरस्वती पाद, कि देखो एक दिन इसका भी नाश होगा, ये इंद्रियों के उपद्रवों से नित्य उत्पीड़ित रहता है और निरंतर सैकड़ों आदि व्याधियों से ग्रसित है और काम आदि की पीड़ा से व्याकुल रहता है। मतलब ये शरीर तो मिला, एक तो गंदा, ऊपर से इसमें बीमारियां अनेक, है ना, ये हो रहा है मुझे, वो हो रहा है। अब बस इंटरनेट पे बीमारियों का ही ढूंढते रहो कि अब इससे कैसे बचें, उससे कैसे बचें, हैं। हमारा ये जो कॉन्शियसनेस मिला था ताकि भगवान के बारे में सुने, सोचें, समझें, ढूंढें, अनुसंधान अगर करें तो भगवान का करें, पर अभी क्या है, आधी व्याधियों से निपटने का अनुसंधान चलता रहता है। और काम आदि, काम का मतलब अपने इंद्रियों का सेटिस्फैक्शन, आँख को रूप देना इसलिए टेलीविज़न देखना, कान को शब्द देना इसलिए गंदे संदे गाने सुनते रहना हमेशा, मुंह को भी कोई ना कोई विषय देना बोलने का इसलिए गप्पे हाँकते रहना, बकवास करते रहना, ये सारे विषय जब हम देते हैं अपनी इंद्रियों को तो उसे कहते हैं काम। काम यही है असलियत में काम। तो काम आदि की पीड़ा से व्याकुल रहता है ना। मैंने ब्लैक एंड वाइट टीवी में देख लिया, वो तो एलसीडी में देख रहा है, उसने तो होम थिएटर क्यों लगा रखा है, हैं, देखना वही चीज़ है, एक ही फिल्म आ रही है, यहाँ भी आ रही है, वहाँ भी आ रही है, वहाँ भी आ रही है, लेकिन उसको तकलीफ है कि वो तो होम थिएटर पे देख रहा है, बड़े से स्क्रीन पे देख रहा है, मैं वहाँ तक कब पहुँचूँगा। तो रैट रेस शुरू हो गई कि होम थिएटर कब मेरे घर में आएगा, ऐसा कब होगा। लेकिन समस्या ये है कि तीनों ही जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट वाला भी, एलसीडी वाला भी, होम थिएटर वाला भी, तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और तीनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा। तीनों कह रहे हैं टाइम यूटिलाइज हो रहा है, अच्छी चीज़ देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ऊपर से इंटरनेट, फिर ऊपर से मोबाइल, फिर ऊपर से गिज़मो। तो ये है क्या, काम आदि की पीड़ाएं, ये पीड़ा है, ये दर्द है। आए थे हरि भजन करने को और ओटन लगे कपास। शरीर तो मिला था हरि भजन के लिए और बैठ के क्या करने लगे क्या करने लगे और क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। मज़े की बात, खुद तो ऊब जाते हैं, फिर बच्चों में हम अपनी सपने लगा देते हैं, तू भी यही कर, दौड़ 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 दौड़ो दौड़ो। फिर बच्चा भी कभी नहीं पूछता कि आपने फिर दौड़ क्यों छोड़ दी बीच में, ऐसा क्या होगा, फिर मुझे दौड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, कोई नहीं पूछता और कोई बताता भी नहीं, है ना। और जो अंत तक पहुंच भी गया दौड़ में, वो भी कहते हैं सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, अब होश आया तो क्या किया, बाल पक गए, आते काम नहीं करती, चला जाता नहीं, बैठा जाता नहीं, अब गुरुजी कह रहे हैं ध्यान लगाओ, ध्यान लगता नहीं, गुरुजी कह रहे हैं हरि नाम लो, चित बार बार इधर उधर जाता है, सब कुछ लूट गया। इसीलिए प्रहलाद जी ने क्या कहा, प्रहलाद जी ने कहा 5 वर्ष की अवस्था से भजन शुरू हो जाना चाहिए, ये बच्चे जो बैठे हैं, ये सारे बच्चों को भजन करना शुरू कर देना चाहिए। आदतें शुरू होंगी तो कभी पकेंगी भी, हमारी गंदी आदतें पक गई, अच्छी आदतें लगती नहीं, तो हम ऊपर से भी उस पर भी गोपी भाव के भजन की बात कर रहे हैं, पता नहीं वो भी कितने बेचारे समझ पाएंगे। लेकिन बावजूद इसके चलो, सुनते सुनते शायद रस कभी जागृत हो, कभी लोभ जागृत हो, तो कभी भजन शुरू हो, बस यही एक आस लगती है सबके साथ। और कह रहे हैं कि शिल प्रबोधानंद सरस्वती पाद, कामादि की पीड़ा से शरीर व्याकुल रहता है और ऐसा शरीर रहे ना रहे, है ना, ठिकाना नहीं है शरीर का,
रहे या ना रहे, तो तुम इस श्री वृंदावन में श्री हरि रस का आनंद क्यों नहीं प्राप्त करते? श्री हरि जहाँ श्याम श्यामा जी हमेशा विहरते रहते हैं, तुम उस वृंदावन में क्यों नहीं आते? क्या खासियत है उस वृंदावन की जो वैकुंठ में नहीं? वैकुंठ में ऐश्वर्य इतना भरा हुआ है कि वहाँ भगवान भी जूते पहनकर चलते हैं, और यहाँ श्याम सुंदर और प्रिया जी कभी भी चप्पल और जूते धारण नहीं करते। इसीलिए यहाँ की भूमि उच्च है, मधुपुरी की भूमि, ये वृंदावन की भूमि भगवान के चरण चिन्हों को अपने वक्ष पर धारण करती है, तो कहती है आह हा, सच में ही मेरा नाम सार्थक हुआ, आज मैं धरा हो गई, धरणी हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण चिन्हों को अपने वक्ष स्थल पर धारण करती है। तो वही बोल रहे हैं कि वृंदावन ये तो वैकुंठ से भी ज़्यादा महान है, पूजनीय है। गोपियाँ सत्य बोल रही हैं, बहुत बड़ा तथ्य बोल रही हैं। तो कह रही हैं, देखो, कहती हैं कि सखियों, कृष्ण के वेणु के सौभाग्य की बात क्या कर रही हो, वो तो हमेशा ही कृष्ण का संगी है। कृष्ण सब कुछ भूल जाते हैं पर अपना वेणु नहीं भूलते हैं। लेकिन ये तो देखो इस धरणी की कैसी महिमा है। कौन सी धरणी? ये पूरी पृथ्वी, ये पृथ्वी लोक, इसकी कैसी महिमा है? क्योंकि वृंदावन धाम जब जहाँ भगवान आए वो यहीं से पृथ्वी लोक पर आए। भगवान वैकुंठ में भी भगवान ने अपने चरण नहीं धरे, लेकिन इस पृथ्वी लोक पर आकर के भगवान ने अपने चरण धरे। और ना केवल ये, भगवान ने, श्री कृष्ण ने एक पल के लिए भी अपने चरणों को धरती माता से अलग नहीं किया, इतना मान दिया। तो धरती जो धरणी है वो वाकई कितनी महान है। गोपियाँ देखिए, कृष्ण का संबंध जहाँ जहाँ देख रही हैं बस उसी की स्तुति किए जा रहे हैं, क्योंकि महाभाव से युक्त हैं। आप लोगों को गोपियों का ये महाभाव, इसके बारे में सोचना होगा कि ये क्या है कि धरती, पूरी धरती को कह रही है कि वैकुंठ से भी उच्च है। अगर किसी मुमुक्षु को बोला जाए, वो जो मोक्ष चाहते हैं कि तुम जो है मोक्ष मत चाहो, इसी धरती पे रहो, तो वो कहेगा कैसी बात कर रहे हो? तो बोले देखिए ना, गोपियों ने तो बोला कि ये धरती वैकुंठ से भी गरियसी है, पूजनीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ श्याम सुंदर प्रिया जी के साथ विहार करते हैं, एक महारस, महा उज्ज्वल रस वो स्फुरित होता है, वो क्षरित होता है और वो प्रसारित होता है। वो उज्ज्वल रस, उसका पान करना है, उसी का पान करने के लिए श्री वृंदावन धाम है। तो वृंदावन धाम का कितना बड़ा महत्व बता रही हैं कौन? गोपियाँ। और पद्म पुराण में भी कहा, त्रैलोक के पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनपुरी। कहते हैं देखो, श्री वृंदावन धरणी पर विराजित होकर श्री कृष्ण के ध्वज, वज्र, अंकुश, ऐसे 19 चिन्ह हैं भगवान के चरण चिन्ह, हाँ, उनसे सतत सुशोभित है वृंदावन की भूमि। वृंदावन क्या है? वृंदावन धरती का ही तो भाग था ना, धरती का ही भाग है ना वृंदावन। जब हम जहाँ जाते हैं वहाँ भगवान प्रकट हुए, और जब वहाँ भगवान प्रकट होते हैं तो लीला करते हैं। तो एक श्री वृंदावन ने पूरी धरती की महिमा बढ़ा दी है ना। गोचारण कर रहे हैं, नंगे चरणों से वो बिल्कुल कुछ पहने बगैर वो चले जा रहे हैं, कोई चप्पल कोई पादुका नहीं। नंद बाबा ने जब पहली बार यशोदा मैया और नंद बाबा भेज रहे हैं उन्हें गोचारण के लिए, तो कह रहे हैं कि जूते पहन के जाओ। और वो कह रहे हैं कि देखिए, जो हमारे उपास्य हैं गैया, हमारी हैं 9 लाख गायें, उनके 4-4 पैर, तो कितने सारे 36 लाख के कितने होते हैं, उतने जूते पहले इनके लिए बनाओ। जब ये सब जूते पहनेंगी तब हम भी पहन लेंगे। हम तो इनकी सेवा के लिए हैं, हम गोपाल हैं, गौओं को पालते हैं, गौओं से दूध आता है तब मक्खन निकलता है, तो हम तो जो है इस गौ संपद से ही अपना गुजारा चलाते हैं। अगर ये गैया नंगे पैर हैं तो हम भी ऐसे चलेंगे। श्री कृष्ण की बात का प्रतिवाद नहीं कर पाए यशोदा मैया और नंद बाबा, और वो चलने लगे ऐसे ही। लेकिन हाँ, बावजूद इसके वहाँ वृंदा देवी
जो कि भगवान की लीला सहयोगिनी हैं, जो कि दिन में तुलसी जी का रूप धारण करती हैं और रात में वृंदा देवी के रूप में सतत भगवान के साथ रहती हैं उनकी लीलाओं में, तो वो श्री वृंदा देवी उनकी कृपा से श्री वृंदावन धाम में जो वहाँ रज है, वो वहाँ ना तृण है ना वहाँ कांटे हैं, क्योंकि समस्त ये गाय जाके सेवा करती हैं और उसे वहाँ पर चल चल के चल चल करके एकदम कपूर के पाउडर जैसा मुलायम कर देती हैं, और वृंदावन की जितने भी लताएं पताएं हैं वो सब ऊपर से छाया करती रहती हैं कि श्याम सुंदर यहाँ से आएंगे और कहीं से भी क्यों ना आए, श्याम सुंदर के चरणों में कहीं से कोई भी कष्ट नहीं होगा। कितनी सुंदर बात। तो श्याम सुंदर बदले में क्या देते हैं? श्याम सुंदर बदले में देते हैं अपने चरणों में लगे हुए वो सुंदर प्यारे प्यारे चरण चिन्ह, जिस एक चरण चिन्ह का ध्यान करके व्यक्ति इस भव सागर से बाहर निकल जाता है। वो समस्त चरण चिन्हों से अंकित कर देते हैं भगवान श्री वृंदावन धाम को। जब अक्रूर जी आए भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए, मथुरा ले जाने के लिए, तो अक्रूर जी ने कैसे पहचाना कि कृष्ण की भूमि आ गई? हाँ, कैसे जाना? उन्होंने देखा कि श्री वृंदावन धाम के समस्त जगहों पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं, और वो उतरे और चरण चिन्हों पर लोटने लगे, क्रंदन करने लगे। भगवान के परम भक्त क्रंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, प्रत्येक भगवान के चरण चिन्हों का वंदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, रो रहे हैं कि ये चरण चिन्ह मेरे प्यारे श्री कृष्ण के हैं। तो हवा भी वहाँ ऐसे बहती है श्री वृंदावन धाम में कि वो चरण चिन्हों को मिटाती नहीं। इसीलिए जब श्याम सुंदर चले गए मथुरा, तो नंद बाबा कहते हैं कि जहाँ भी मैं क्यों ना जाऊँ बाहर, मैं बाहर मथुरा जा सकता हूँ, वहाँ श्याम सुंदर के पास। गोपियाँ भी कहती हैं हम मथुरा जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं, क्योंकि यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की लताएँ पताएँ हैं, यहाँ की जो वृंदावन की रज में श्री श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से अंकित भूमि है, उससे हमें बार बार लाला की याद आती रहती है। बार बार हम जो है देखते हैं कि यहाँ वो खेलता था, यहाँ वो ये करता था, वहाँ करता था। मथुरा में जा कर के क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। तो कितनी बड़ी बात। तो गोपियाँ इसीलिए कह रही हैं, और धरणी भी समझती हैं कि देखो हैं, वैकुंठ से भी अधिक मेरे यश का विस्तार हो रहा है, क्योंकि जब श्याम सुंदर यहाँ पर आए और उन्होंने लीला करी तो समस्त देवी देवता यहाँ पर आकर के, यानी इसी वृंदावन धाम में आकर बार बार उनकी परिक्रमा करते, बार बार परिक्रमा करते, बार बार स्तुति करते, बार बार वंदना करते, किसी ना किसी बहाने से देखने के लिए सब वहीं पर जुटे रहते। भगवान रास कर रहे हैं तो कितनी सारी देवियाँ देवताओं के साथ अपने विमान पर बैठ करके देख रही हैं और भगवान का अनुपम अप्रतिम सौंदर्य माधुर्य देख करके जो है वो बेहोश हो जाती हैं। तो ये श्री वृंदावन धाम, जो वो पृथ्वी पर उतरना नहीं चाहती हैं कि अरे यहाँ के लोगों का क्या आयु है, और एक क्षण का तो इनका यौवन है और वो भी बेकार सड़ा गला है ना, तो वो यहाँ उतरना नहीं चाहती, लेकिन जब देखती हैं श्याम सुंदर का अप्रतिम रूप और वंशी वादन तो वापस वैकुंठ जाना नहीं चाहती। तो वैकुंठ से भी ज़्यादा पूजनीय हो गया श्री वृंदावन धाम। क्यों? श्री कृष्ण के कारण, श्री कृष्ण के कारण। तो धरणी क्या समझ रही है? वाह, क्या सौभाग्य है मेरा, मैं श्री कृष्ण के पाद पद्म चिन्हों को अपने वक्ष पर अंकित करके कितनी सौभाग्यशालिनी हो रही हूँ, क्योंकि मैं सतत धारण करती हूँ। तो बोल रहे हैं कि देखो, स्वर्ग आदि लोक तो तुच्छ हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ भी मरण है ही, वहाँ भी जो है ब्रह्मा जी की भी आयु पूरी हो ही जाती है, इंद्र आदि समस्त देवी देवताओं की आयु पूरी हो जाती है, श्री कृष्ण एकमात्र भगवान हैं, ये आप जानते हैं, इतने समय से सुनते चले आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, स्वर्ग में भी भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मिलते नहीं मिलते,
और वैकुंठ में भी भगवान के चरण चिन्ह नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ नारायण तो पादुका पहन करके विचरण करते हैं, वहाँ भी नहीं मिलते। तो भगवान के चरण चिन्हों के लिए धरती पर ही आना पड़ेगा, श्री वृंदावन धाम में ही जाना पड़ेगा। कहा गया है कि वहाँ का प्रत्येक रज चिंतामणि स्वरूप है, क्योंकि वहाँ राधा रानी के महाभाव का मकरंद रस अजस्र रूप से बह रहा है। और जो वृंदावन धाम का जो वो कि वो जो रज है रज रानी, उस रज का थोड़ा सा भी चूर्ण कृष्ण का को वश में करने वाला चूर्ण है, क्योंकि वहाँ श्री राधा रानी का मादनख्या महाभाव से वो रज लिप्त है, लिप्त। इसलिए वृंदावन में रज रानी की उपासना होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी जो है अपने चरण चिन्हों को अंकित करते हुए और मादनाख्या महाभाव की अजस्र धार से समस्त धरती को डुबोते हुए घूमते हैं, विचरण करते हैं, विहार करते हैं। तो पतालखंड में भी आया, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा चगरियसी दिन में एकम निवासिन हरो भक्ति प्रजायते। कहते आहा, मधुपुरी यानी श्री वृंदावन धाम अत्यंत धन्य है, वैकुंठ आदि से भी गरियसी है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक दिन वास करने से भी श्री भगवान की भक्ति का उदय होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। एक दिन का वास अगर मिल जाए कहाँ, श्री वृंदावन धाम में, तो एक दिन के वास से भी हरि भक्ति उदित होती है। लेकिन फिर वही बात, धाम अपराध ना करे अगर कोई, तो धाम में जाकर के कोई पिकनिक न मनाए, तो धाम को धाम की तरह समझे, धामवासी को हमेशा भगवान का अंश समझे, भगवान का निज जन समझे। आज भी वहाँ बड़े बड़े बाबा जीज, बड़े बड़े सिद्ध लोग जिनको साक्षात प्रिया प्रियतम का दर्शन हो गया, आज भी वो ब्रजवासियों के घर में मधुकरी करके खाते हैं। अगर वो कोई टिक्कड़ बना के ले आती है, हाँ, तो नहीं पूछते कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, लेते हैं, प्राप्त करते हैं, खाते हैं। और वही अगर हमारे घर आ जाएं, तो वो सीधा बोलेंगे कि भाई हम लोग गृहस्थों के हाथ का नहीं खाते, आप हमें फल दे दीजिए। ब्रजवासियों की ये महिमा, ब्रजवासी अगर आशीर्वाद दे देता है जा तुझे भगवत प्राप्ति हो, कृष्ण प्राप्ति हो, तो प्राप्त भगवान को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है, निज जन के मुख से वाक्य निकला है, इतना ब्रजवासियों की महिमा है। और अगर उनके अंदर हम जाति बुद्धि कर लें या उनके अंदर हम अन्य कोई बुद्धि कर लें, उनसे वो कोई लड़ाई करें कुछ करें और हम भी लड़ने लग जाएं, ब्रजवासी जो जन्मा है वहाँ पर, जो परंपरा से रह रहा है वो ब्रजवासी, उसकी बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, धाम अपराध। इसलिए धाम की कृपा नहीं मिलेगी, हृदय शुष्क रहेगा, कठिन रहेगा, वहाँ रहकर भी भौतिक आसक्ति सताती रहेगी, भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई निष्कपट और निरपराध है और वो सिर्फ और सिर्फ अभीष्ट को चाहता है, भगवान को चाहता है, श्री गुरु गौरांग में पूर्ण श्रद्धा भक्ति है, तो एक दिन के वास से भी उसका कल्याण हो जाएगा, हरि भक्ति उसके हृदय में उदित हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौन कह रहे हैं, ये हमारे शास्त्र पद्म पुराण के पतालखंड में ये बात आती है। और श्री रूप जी ने भी बोला, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, मधुपुरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। कोई कोई सोचता है श्री वृंदावन धाम इसलिए वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने यहाँ कर लीला करी, तो जब भगवान लीला करने आए तब तो ठीक, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो वो वाला ब्रज धाम भी अंतर ध्यान हो गया होगा। पर चूंकि धरती के इसी क्षेत्र में ब्रज धाम था, तो यहाँ अगर हम भगवान की उपासना करें तो जल्दी सिद्धि मिलती है, कोई कोई ऐसा सोचता है। तो हमारे यहाँ गोस्वामीगण बोलते हैं कि खबरदार, ऐसा सोचना मत, ऐसा सोचना मत कि भगवान के साथ ही धाम भी चला गया, अंतर ध्यान हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है। तो श्री जीव गोस्वामी पाद जो हमारे बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े आचार्य, हमारे अष्ट गोस्वामियों में से एक बहुत महान गोस्वामी, जिनका संग श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने किया, जिनका संग श्री जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य जी ने किया, और
क्या सिद्धि को प्राप्त की, जिनका संग जो है श्यामानंद जी ने किया, रसिकानंद, ये अनेक अनेक भक्तों ने किया, जिनका संग उनसे शिक्षा ली श्री जीव गोस्वामी जी, जो कि श्री रूप सनातन के भाई के सुपुत्र थे और जो है गुरु बुद्धि थी उनकी रूप सनातन में, श्री रूप जी उनके गुरु थे। तो ऐसे प्रकांड विद्वान कि जिनका संग करने से ही समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाती थी, उन्होंने बताया किसमें, श्री कृष्ण संदर्भ में। क्या कहा उन्होंने, कहा देखो इस पृथ्वी पर जो वृंदावन आदि धाम है ना, उनके तीन प्रकाश हैं, वो तीन प्रकार के हैं। कौन सा? एक है अप्रकट प्रकाश। अप्रकट प्रकाश मतलब कि आज भी कृष्ण उसी वृंदावन धाम में लीला कर रहे हैं मगर हमें दिखता नहीं। वो जिस धाम में, जिस प्रकाश में लीला कर रहे हैं, वो प्रकाश, वो धाम पूरा वहीं पर है, पर वो पृथ्वी को छूता नहीं। श्री कृष्ण के चरण वहाँ उस पृथ्वी को छूते नहीं, एक प्रकाश में वो लीला कर रहे हैं, लेकिन दिखता है, वो लीला दिखती है। किसको दिखती है? तो जिसके अंदर कृष्ण प्रेम पूर्णतया उपस्थित हो जाता है गुरु गौरांग की भक्ति करते करते, उसको वो दिखता है। और ये कौन कह रहा है? श्री चैतन्य चरितामृत में इस बात की पुष्टि हुई। प्रेम क्या बोला? चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहां कृष्णेर विलास। कह रहे अगर चमड़े की आंखों से देखोगे तो कैसा दिखेगा? हैं, कैसा दिखेगा? चमड़े की आंखों से कैसा दिखेगा? कूड़ा करकट सुअर नदी नाले, नदी में जाते हुए नाले, और भी ना जाने क्या क्या दिखेगा, क्योंकि चमड़े की आंख है। कोई कहेगा पता नहीं इतना अच्छा यहाँ पर इतने लोग आते हैं, सफाई क्यों नहीं होती। कोई ये कहेगा, कोई कहेगा इतने गड्ढे वड्ढे हैं, कोई कहेगा अरे मक्खियाँ बिन बिनाती रहती हैं मिठाइयों पे, कोई कहेगा अरे यहाँ के तो गुसाई पंडे लूटने वाले हैं, खुसोटने वाले हैं, वहाँ नहीं जाने वाले हम लोग, तो तुम्हारा भजन ख़त्म, कोई भजन वजन नहीं कर रहे इसका मतलब, क्योंकि चमड़े की चक्षु है। और गुरुदेव कहते हैं कि वहाँ कोई भी क्यों ना हो, देखो ये चार हाथों वाला है, प्रणम में है, वंदनीय है, इसे प्रणाम करो, ये लीला कर रहा है। वहाँ के सुअर मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो वहाँ के हैं, भगवान के निज जन हैं, वराह रूप में भगवान ने उन पर कृपा की थी, वो भगवान के निज जन हैं। तो वहाँ का जो सब कुछ है वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, लेकिन क्या बताया, चमड़े के चक्षु से देखते हैं बिना प्रेम के तो हमें यही दिखेगा जो मैंने अभी तक बताया, लेकिन अगर प्रेम नेत्र से देखते हैं, अब ये प्रेम नेत्र से तो जाते तुरंत आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, ये तो होगा नहीं, इसके लिए करनी पड़ेगी साधना। श्री गुरु में एकदम अगाध श्रद्धा, ब्लाइंड फेथ, अंधा होना पड़ेगा, कोई अंधा होना चाहता नहीं, ये दिक्कत है। और श्री गौरांग में अंधा होना पड़ेगा कि जो गौर हरि कह रहे हैं वही सत्य है हमारे लिए, श्री गुरु गौरांग, इनके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब हम ऐसे करते हुए चलेंगे तो हमारी श्रद्धा थोड़ी ठोस होगी, और श्रद्धा भी दो तरह की होती है, मैंने बार बार अपने प्रोग्राम्स में बताया, अभी बताती हूँ, एक है लौकिक और एक है शास्त्रीय श्रद्धा। अगर देखा देखी श्रद्धा है, उसने दीक्षा ले ली, चल मेरी भी करा दो, अब मैं जी चढ़ गया नाव पे, अब तो पहुँच जाऊँगा, कुछ नहीं होने वाला, वहीं पड़े रहोगे। अगर लौकिक श्रद्धा है कि अरे वो लोग हरि नाम कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, तो आज नहीं कल ख़त्म होगी। लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा है, सुना अच्छे से और पढ़ भी रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की समस्त व्याख्याओं को एकदम बारीकी से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे महाप्रभु ने कहा कि भक्ति पांच चीज़ों से उपजती है, अगर इनका अल्पसंग कर लोगे उपज जाएगी, तुरंत हो जाएगा। क्या? श्री भागवत श्रवण, हरिनाम संकीर्तन, मथुरा वास, साधु संग, साधु सेवा और श्री विग्रह का सेवन, बस इतना कर लो, ज़्यादा नहीं भी करो, इसी से हो जाएगा। तो श्रवण माने श्रीमद् भागवतम का श्रवण। कैसा श्रवण? श्रीधर स्वामी जी की व्याख्याओं का श्रवण, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की जो व्याख्याएं हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की जो व्याख्याएं हैं उनके साथ श्रवण,
ये नहीं कहीं से भी उठा लाए वो पंढरपुर की इधर की पुर और उधर की पुर की ले आए उठा के और पढ़ ली, हमने तो भागवतम पढ़ ली, कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया था कि आचार्य वल्लभाचार्य जी जो थे उन्होंने भी महाप्रभु को अपनी श्रीमद् भागवतम की व्याख्याएं पढ़ाने की बहुत चेष्टा की, महाप्रभु नहीं पढ़ते थे। गदाधर पंडित जी को उन्होंने कहा, गदाधर पंडित जी तो उनके बहुत अच्छे सखा थे तो उन्होंने सुन भी लिया, मगर रोते थे कि ये क्या सुना रहे हैं। लेकिन एक बार उन्होंने पूछ ही लिया महाप्रभु से कि चैतन्य महाप्रभु मैं आपको इतना चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ, आप मेरी व्याख्या क्यों नहीं सुनते? मैंने इसमें श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या का एक अंश नहीं लिया, उस पर तो बेस ही नहीं है, मैंने अपने उससे लिखा है, अपनी समझ से लिखा, पढ़िए कितना रसीली है। महाप्रभु ने उनके मुंह पे कह दिया, जो श्रीधर स्वामी की व्याख्या नहीं मानता वो वेश्या है। ये लाइन आया है, ये पंक्ति आई हुई है श्री चैतन्य चरितामृत में, इस शब्द का इस्तेमाल किया। वेश्या माने कि वो इधर उधर की चीज़ें ले लू करके अपना चला रहा है काम। एक श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या ही माननी पड़ेगी गौड़ीय वैष्णवों को, उसी में रस है। श्री जीव गोस्वामी जी की व्याख्या माननी होगी, हमारे आचार्यों की व्याख्या लेके तब पढ़ना होगा, तब समझ आएगी ना श्रीमद् भागवतम क्या है। तो इसीलिए बोला श्रीमद् भागवतम श्रवण जो भक्ति प्रदायक है, जहाँ से वेणुगीत आप सुन रहे हैं, जहाँ से गोपी भाव मिलेगा। तो इसीलिए गोपियाँ जो बोल रही हैं कि ये मधुपुरी वैकुंठ से भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, और ये जो प्रकाश है अप्रकट प्रकाश जहाँ भगवान निरंतर लीला करते हैं और जो हम प्रेम नेत्र से ही देख सकते हैं। कैसे प्रेम नेत्र से? आपको बताया कि शास्त्रीय श्रद्धा रखनी होगी, शास्त्र का अनुशीलन खुद भी करना होगा। गुरुदेव ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़िए, श्री विलाप कुसुमांजलि पढ़िए, हाँ भवकूप में जीव की गति पढ़िए, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, वो पढ़ने के लिए लिखे हैं, वो जानने के लिए लिखे हैं। हमारी श्रद्धा अगर शास्त्रीय नहीं होगी, शास्त्र आधार नहीं होंगे, तो कल आपको कोई भी हिला सकता है। ये तो बेकार है, यहाँ माधुर्य है ही नहीं, मैं आपको महामाधुर्य के जगत में ले चलूँ। अरे महाप्रभु जहाँ है वहीं महामाधुर्य है, लेकिन उसे जानेगा कौन, समझाएगा कौन, समझेगा कैसे? अगर आप सोचो घोंट घोंट के पिलाती रहेगी तो मैं इतना पिला नहीं पाऊंगी, खुद भी अपने हाथों को चलाना होगा, अपने दिमाग को चलाना होगा। घोट घोट के कितना पिलाएगा आदमी, कितना समय है मेरे पास और आपके पास, हफ्ते में हम एक दिन मिलते हैं, रेडियो पे इतना कुछ बता नहीं सकते, खुद पढ़ना होगा। और जो है अनुगत्य विहीन तो हमारा भजन नहीं है, अनुगत्य में ही भजन करना होगा। तो आगे बोला कि एक अप्रकट प्रकाश है और दूसरा है दृश्यमान प्रकाश। दृश्यमान प्रकाश मतलब इस प्रपंच लोक में आप श्री वृंदावन धाम को जिस प्रकाश में देख रहे हैं वो कृपा करके पृथ्वी को स्पर्श करके ही अवतीर्ण है। यानी आज हम जिस वृंदावन धाम को देख रहे हैं वो वृंदावन धाम और वहाँ ऊपर का वृंदावन धाम वो एक ही है, वो कृपा से हमारे बीच में है। प्रापंचिक देहधारी जैसे हम लोग कदम वृक्ष को देखते हैं पर महाकदम को नहीं देखते। महाकदम क्या है? वराह पुराण में आया है कि श्री वृंदावन धाम में एक बहुत विशाल महाकदम्ब पेड़ है, महाकदम्ब पूरे वृंदावन धाम को जैसे आच्छादित किया हुआ है उस महाकदम्ब पेड़ ने, इतना विशाल है पर हम देख नहीं पाते, हम मगर कदम्ब के पेड़ों को देख पाते हैं प्रकट प्रकाश में। लेकिन अगर प्रेम नेत्र हो तो महाकदम्ब वृक्ष भी दिख जाएगा प्रेम नेत्र से। तो कह रहे हैं कि वो पृथ्वी भी इस प्रकाश को स्पर्श कर पा रही है और ये श्री धाम की प्रापंचिक देहधारियों के प्रति अपार करुणा है। हमने जो माया का शरीर धारण किया तो माया का स्वरूप लेके, माया का कपड़ा पहन के श्री धाम हमारे सामने मौजूद हैं, ताकि जब हम वहाँ जाएं तो हमको वहाँ इंटरनेट की सुविधा भी मिले, ताकि हम वहाँ जाएं तो पानी पूरी कचौड़ी भी खा सकें, साथ साथ थोड़ा सा इधर उधर मंदिर भी घूम सकें, किसी भी तरीके से आओ तो सही। इसलिए कृपा करके वो वहाँ पर जो है जड़ आँखों से देखे जाने योग्य प्रकाश में मौजूद हैं, उसका नाम है
दृश्यमान प्रकाश। क्या है? दृश्यमान प्रकाश। तीसरा है प्रकट प्रकाश। प्रकट प्रकाश क्या है? प्रकट प्रकाश यह है कि जब श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में लीला करने के लिए एक बार अवतीर्ण होकर आते हैं तो उनके साथ उनके परिकर आते हैं और उनके धाम भी प्रकट होते हैं और तब वो धाम का जो प्रकाश है वो पृथ्वी को स्पर्श करता है, तब वो पृथ्वी को स्पर्श करता है और तब प्रकट प्रकाश में भगवान प्रकट विहार करते हैं। इसीलिए बोल रही हैं उस समय, जिस समय बोल रही हैं तो भगवान प्रकट विहार कर रहे हैं और इसलिए श्री वृंदावन जी का महत्व बता रही हैं कि श्री वृंदावन जो है वो कितना बड़ा सौभाग्य का विस्तार कर रहा है धरती के और समस्त लोगों के। तो ब्रजबालाओं की जो ये बात है ये कोई तात्कालिक नहीं है, ये कैसी है? सर्वकालिक है, हमेशा के लिए ये बात सही है, हमेशा से सही थी, हमेशा के लिए सही है, हमेशा ही सही रहेगी। तो जब हम भाव नेत्र हमारे हो जाएंगे भजन करते करते तब हम उन भाव नेत्रों से ये सब देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सोच पाएंगे। लेकिन मंजिल दूर है, रास्ता लंबा है, किंतु घबराने की बात नहीं है, हमारे पास श्री गुरु गौरांग और गोस्वामियों की कृपा है, कृपा से आच्छादित ये छाया से भरा रास्ता है, इस पे बस चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, एक बार भी इधर उधर और मत देखो, बस मंजिल पे नज़र रखो कि महाप्रभु ने अगर हमें मंजरी भावोपासना दिया है तो आज नहीं तो कल हमें बस यही प्राप्त करना है, अपने को इसी योग्य बनाना है और हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो जिसका दृढ़ संकल्प है वो इस राह पे चलेगा और पाएगा और जिसका संकल्प दृढ़ नहीं है वो बिखर जाएगा। तो संकल्प हमारा अपनी बपौती है, संकल्प को दृढ़ कीजिए, शास्त्रीय श्रद्धा का सहारा लीजिए, सब ठीक रहेगा। अभी आज यहीं तक, अगली दफ़ा महाप्रभु ने चाहा तो दोबारा हम यहीं से श्री वृंदावन धाम की महिमा पर चर्चा करेंगे। अभी जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल।